नमस्कार किसान भाइयों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियाज व्हीकल पर। आज मैं सबसे दमदार ट्रैक्टर का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि ये है स्वराज का 742 XT। इस ट्रैक्टर में आपको कितने HP का इंजन है, कितने CC का है, कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, किस तरह से इसका हाइड्रोलिक काम करता है, कितने KG का इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है, कौन सा PTO सिस्टम है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इस रिव्यू में लेने वाले हैं। तो वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 साल की काफ़ी दमदार वारंटी स्वराज की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से आपके क्लेम को कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको किसान भाइयों मिल जाता है पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट काफ़ी स्टाइलिश डिजाइन के साथ। साथ में PTO की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों PTO दिया गया है, जो कि 540 चक्कर और CR PTO के साथ इस ट्रैक्टर में आपको PTO सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ में किसान भाई और डुअल क्लच के साथ इस ट्रैक्टर में काफ़ी बेहतरीन तरीके के क्लच सिस्टम बड़ा सा डायमीटर में दिया गया है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस और भी इन्हेंस हो जाती है। प्लेटफॉर्म लगभग इस ट्रैक्टर में आपको फ्लैट मिलने वाला है। चढ़ने के लिए 2 स्टेप में आपको कंपनी ने इसमें मोटे चद्दर के साथ इस ट्रैक्टर में डिजाइन करके दिया हुआ है। साथ में एडिशनल फुटरेस्ट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि जुताई वगैरह के मौसम में काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैर को रेस्ट देते हैं। साथ में यहाँ पे आपको डीजल से वाटर सेपरेटर भी कंपनी ने दे रखा है, जो कि बारिश के दिनों में काफ़ी उपयोगी होता है। वहीं आपको इस ट्रैक्टर में सिंगल डीजल फिल्टर देखने को मिलने वाला है। पंप की बात की जाए तो बोस का इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर इनलाइन का पंप दिया गया है, जो कि पंप के सेगमेंट में नंबर 1 इंडिया में माना जाता है। यहाँ पे आपको वेट टाइप में प्री एयर क्लीनर के साथ इस ट्रैक्टर में एयर क्लीनर दिया गया है, जिससे काफ़ी शुद्ध हवा इंजन तक जाती है और काफ़ी बेहतरीन टॉर्क इस ट्रैक्टर से आपको मिलने वाला है। बोनेट पे 742 XT का बढ़िया तरीके का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। साथ में 4 स्टार के साथ इस ट्रैक्टर को कंपनी ने लॉन्च किया है। यहाँ पे बात की जाए इसकी स्टेयरिंग की तो सिंगल एक्टिंग के साथ इस ट्रैक्टर में काफ़ी बेहतरीन टर्निंग रेडियस के साथ दिया गया है, जो कि काफ़ी आसानी से लो टर्निंग रेडियस में ट्रैक्टर मुड़ जाता है। साथ में यहाँ पे आपको रिवर्स PTO का इस ट्रैक्टर में बोनेट पे ही बैजिंग देखने को मिलेगा। 616 का फ्रंट टायर दिया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके का इसमें अच्छे गुडियर के टायर दिए हुए हैं, जिससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 2108 mm की हो जाती है। साथ में डुअल मजबूत बैरिंग के साथ इसके हब को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पडलिंग के लिए डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे फ्रंट में बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके का न्यू लुक के साथ एरोडायनेमिक में इसकी डिजाइन की हुई मिलेगी। साथ में हैलोजन हेडलैम्प की बात की जाए तो काफ़ी शार्प विजिबिलिटी के लिए दिया गया है। यहाँ पे दो के साथ बेहतरीन आपको नाइट विजिबिलिटी प्रदान करने वाली है। वहीं आपको फ्रंट में यहाँ पे ग्रिल पे स्वराज का बैजिंग के साथ काफ़ी अच्छे एयर इनटेक के लिए यहाँ पे जाली को डिजाइन किया हुआ है, जो कि पुश पुल बटन के साथ इस ट्रैक्टर में आपको ओपन होने वाला है। किसान भाइयों, यहाँ पे बात की जाए इसकी सॉकअप की तो आपको सिंगल के साथ दिया गया है। साथ में रेडिएटर काफ़ी बड़ा सा इस ट्रैक्टर में दिया गया है, जिससे इसकी कूलिंग सिस्टम की बात करें तो काफ़ी इन्हेंस टेक्नोलॉजी का इस ट्रैक्टर में दिया गया है। पावर स्टीयरिंग फ्यूल आपको एडिशनल डालने को यहाँ पे टैंक देखने को मिलेगा, जिससे आपकी मेंटेनेंस लो कॉस्ट के साथ काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। साथ में यहाँ पे 1 लीटर का कूलेंट कूल रिजर्वेटर इस ट्रैक्टर में मिलेगा, जिससे इसकी कूलिंग सिस्टम और इन्हेंस होती है। इंजन की बात की जाए तो 3 सिलेंडर का इस ट्रैक्टर में इंजन मिलने वाला है। 45 HP में 3307 CC का इस ट्रैक्टर में इंजन दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से 2800 RPM में वर्क करता है। यहाँ पे आपको किसान भाइयों 36 एम्पियर का 12 वोल्ट का अल्टरनेटर देखने को मिलेगा। साथ में पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक पंप को सेपरेट में डिजाइन किया हुआ है, इससे काफ़ी बेहतर प्रेशर आपको हाइड्रोलिक की मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे अच्छे प्रेशर के लिए बड़ा सा इसमें दिया गया है। यहाँ पे आपको 2.5 किलोवाट का काफ़ी हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्टर मोटर दिया गया है, जिससे आप ट्रैक्टर इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं 12 वोल्ट 75 AH का काफ़ी बड़ा सा इस ट्रैक्टर में बैटरी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ राइट लीवर में भी आपको मिलने वाला है फुटरेस्ट। साथ में ब्रेकिंग की बात की जाए तो मल्टी डिस्क के साथ वेट में आपको इस ट्रैक्टर में मिलने वाला है। यहाँ पे ADDC कंट्रोल सिस्टम 2 लीवर 2 लीवर के साथ दिए गए हैं, जिससे डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम और इन्हेंस हो जाता है।
ऑक्सिलरी वाल्व कंट्रोल के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सीट से दिया गया है, जिसे आप टाली वगैरह इजी से उपयोग कर सकते हैं। रियर टायर साइज की बात की जाए तो 54 और 28 के साथ इसमें फिर से आपको गुडियर का काफ़ी अच्छे ग्रिपिंग के साथ टायर दी गई है, साथ में एंटी स्लाइड के साथ आपको मजबूती के साथ यहाँ पर रिम को भी डिजाइन किया हुआ है। रियर में नाइट विजिबिलिटी के लिए किसान भाइयों आपको मिलता है यहाँ पे चकोर में काफ़ी बड़ा सा टेल लैंप, जिससे नाइट वर्क काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। साथ में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। 2 लीटर का बोतल होल्डर के साथ आपको छोटा सा यहाँ पे टूल बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं। साथ में सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर को बड़े बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। रियर से भी आपको ऑक्सिलरी वाल्व कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट का एडिशनल लाइट सॉकेट देखने को मिलेगा। एडीडीसी सेंसिंग की बात की जाए तो 3 लिंकेज के साथ आपको इसमें काफ़ी एडवांस सेंसिंग वाला मिलने वाला है, जिससे आपकी इम्प्लीमेंट काफ़ी बेहतर जुताई करने वाली है। साथ में 2-2 इसमें ऑक्सिलरी बल्ब दिए गए हैं, जिससे प्लाव वगैरह और भी लेटेस्ट इम्प्लीमेंट चला सकते हैं। पीटीओ आउटपुट की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको 38 HP आउटपुट के साथ 540 चक्कर स्टैंडर्ड के साथ 1000 RPM के साथ स्ट्रक्चर में रिवर्स पीटीओ भी मिलने वाला है। किसान भाइयों यहाँ पे 1700 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ 3 लिंकेज में इसका हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ डैशबोर्ड की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसके डिजाइन मिलेंगे। सबसे पहले सीट काफ़ी अच्छे कुशनिंग के साथ स्ट्रक्चर में दिया गया है, जिससे आप लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस आरामदायक से ले सकते हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे एनालॉग के साथ इसका दिया गया है डैशबोर्ड, जिसमें RPM मीटर बैटरी इन्फॉर्मेशन सारा दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बेहतरीन तरीके का डिजाइन किया हुआ है, साथ में हॉर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। गियर शिफ्टिंग की बात की जाए तो आपको सेंट्रल शिफ्ट में स्ट्रक्चर में मिलने वाला है। बड़े से लीवर में रिवर्स 1, 2, 3, 4 ऑप्शन, साथ में आपको हाई लो के साथ छोटे लीवर में देखने को मिलेंगे, जिससे 33 किलोमीटर/आवर की इसकी फ्रंट स्पीड हो जाती है। साथ में यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग सॉकेट स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप मोबाइल इजली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए किसान भाइयों तो आपको मिलने वाला है इस ट्रैक्टर में 257 SFC के साथ का सबसे लो फ्यूल कंजप्शन, साथ में 30.1 किलोवाट का इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी इंजन दिया गया है। किसान भाइयों ये था रिव्यू आज का स्वराज 742 XT 4 स्टार का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को